नमस्कार किसान भाइयों मैं प्रदीप फार्मर ऑफ़ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कैमोमिल की खेती के बारे में जिसे हम गुल्ले बबूना भी बोलते हैं शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें चलिए शुरू करते हैं तो इसका जो कैमोमेल है इसको हम साधारण नाम ही इसका कैमोमेल होता है और इसको जो है गुल्ले बबूना भी बोलते हैं और इसके वानस्पतिक नेम की अगर बात करें हम तो इसका जो है कैमोमिला रिक्यूटिटा इसका वानस्पतिक नाम होता है और खेती करने के लिए किसान भाई अगर हम उन्नत किस्म की बात करें तो इसमें आपको बेलरी है प्रशांत है सी मैप सम्मोहक है सिम उज्ज्वला है तो इस तरह की किस्म रहती हैं और इसके अलावा भी हम जो है कुछ किस्म आती हैं जिनको जर्मन कैमोमाइल कैमोमिल भी बोलते हैं और इसका बेसिकली जो उपयोग होता है किसान भाइयों तो उपयोग जो होता है इसके फूल जो होते हैं और इससे जो फूलों से प्राप्त में जो है तेल प्राप्त होता है तो बेसिकली जो फूलों का इस्तेमाल करते हैं वो चाय जो हर्बल चाय बनती है उसमें इस्तेमाल करते हैं इसकी कैमोमिल चाय आती है इसकी बाज़ार में मार्केट में और हर्बल स्नान ठीक है और सुगंधियों एवं सजावट के लिए और इसके तेल का जो उपयोग रहता है वो साबुन कॉस्मेटिक शैम्पू क्रीम और जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो होती हैं और घरेलू दवाइयाँ माउथ वॉश सुगंध उपयोग एवं एरो एरोमेथेरेपी जो होती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं इसमें जो प्रमुख रासायनिक घटक होता है वो कैमोमिल जो तेल में जो है कैमोजुल रसायन की मात्रा रहती है जो कि सत्रह से अठारह परसेंट तक रहती है और जो और इसका जो वैरायटी है सिम उज्ज्वला उसमें जो है मेटिक एरिया एसिडिस्टर पचहत्तर से अस्सी प्रतिशत तक होता है अब इसकी बात करते हैं किसान भाइयों खेती किस मौसम में या किस जलवायु में कर सकते हैं तो उसके लिए जो रहता है वो सम शीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु तो, इसके लिए उच्च रहती है और ऊंची जो भूमि होती है उसके लिए ये फसल जिस जगह पर मतलब ऊंची जमीन है जैसे जल भराव नहीं होता है तो उस जमीन इस फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है पाला और इसके जो उच्च आदरता की जो प्रति है ये काफ़ी संवेदनशील रहता है तो अब हम बात करते हैं इसमें भूमि के बारे में तो इसके लिए समुचित जल निकास भुरभुरी समतल ढाल वाली जो भूमि रहे उचित रहती है और जो मिट्टी जो वलई दोमट या दोमट भूमि सबसे उपयुक्त रहती है इसके लिए और इसकी हम जो लगाने के लिए बात करते हैं तो इस प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो नर्सरी जो है बीजों को उगाकर पौधों की रोपाई कर, कर करते हैं और इसको डायरेक्टली प्लांट प्लांट लेकर भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं किसी नर्सरी से या किसी जो का बिजनेस करते हैं जो खेती करवाते हैं उन लोगों से हम प्लांट ले लगा सकते हैं डायरेक्टली या हम नर्सरी को तैयार करके भी कर सकते हैं पौधा पौध रोपण और इसकी जो भूमि की तैयारी है वो अक्टूबर नवंबर महीने में नर्सरी द्वारा इसकी हम पौध को तैयार करेंगे और इसके बाद मध्य नवंबर में 50 से पचास बाई तीस सेंटीमीटर के अंतराल पर पौधों का रोपण हमें करना चाहिए और बीजों की सीधी बुआई भी हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या है हमें बीज की मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी और इसमें बात करते हैं किसान भाइयों खाद और उर्वरक की तो इसमें जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से चार टन सड़ी हुई गोबर की खाद या दो टन बर्मी कंपोस्ट इसके लिए पर्याप्त रहता है इसके अलावा आप इसमें बत्तीस अनुपात सोलह अनुपात सोलह किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से रोपड़ के समय डालनी चाहिए और इसके अलावा दस किलोग्राम नाइट्रोजन चार बार बराबर मात्रा में देनी चाहिए अब हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में तो पहली सिंचाई पौध के रोपण के तुरंत बाद हमें करनी चाहिए और इसके बाद जब हमें जरूरत लगे मतलब कि आवश्यकता अनुसार दो से तीन सिंचाई हमें करनी चाहिए पूरी फसल में और फूलों की तुड़ाई की बात करें तो इसमें जो है फूलों की पहली तुड़ाई रोपण के पैंसठ से सत्तर दिनों बाद करनी चाहिए और इसके बाद पंद्रह दिन के अंतराल पर इसकी तुड़ाई करते रहने चाहिए पाँचवीं या जो है छठी तोड़ाई इसके बीजों के लिए करनी चाहिए अब हम इसकी अगर उपज की बात करें तो इसमें जो है हमें सूखे जो फूल हैं उनका उत्पादन जो हमें प्राप्त होते हैं वो 600 से 700 किलो सूखे फूल हमें प्राप्त होंगे प्रति एकड़ के हिसाब से और इसमें जो तेल का मात्रा रहती है वो ज़ीरो पॉइंट एट जीरो प्रतिशत तक रहती है तो इन फूलों का अगर तेल निकलवाते हैं तो हमें प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग तीन किलो तेल प्राप्त होगा अब इसमें अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो इसकी सूखी सूखे फूल हैं वो भी मार्केट में बिकते हैं जिनका रेट हमें दो सौ प्रति किलो या तीन सौ प्रति किलो या उससे ज़्यादा मार्केट के हिसाब से मिल जाता है तो अगर दो सौ प्रति किलो के हिसाब से हम लगाएं और 650 किलो फूल की कैलकुलेशन करें तो एक लाख तीस हज़ार रुपये ये आपको प्राप्त होगा और ये सिर्फ छः महीने की फसल होती है छः महीने में तैयार हो जाता है छ महीने में फसल इसकी पूरी हो जाती है और अगर तेल की बात करें तो अगर तीन किलो तेल हमें प्राप्त होता है तो अगर हम पैंतीस हज़ार रुपये प्रति किलो तेल के हिसाब से लगाएं तो लगभग एक लाख पाँच हज़ार रुपये हमें इससे तेल से प्राप्ति होती है अब इसमें खर्चे की बात करें किसान भाइयों तो ख़र्चा जो है पच्चीस हज़ार रुपये पूरी फसल को तैयार करने में खर्चा आएगा आपको प्लांट से ले या बीज से ले और खाद या पानी जो भी आप लगाएंगे वो टोटल खर्चा होगा तो मोटा मोटा अगर हम मान के चलें तो एक लाख रुपये हम इससे बचत कर सकते हैं बाकी डिपेंड करेगा मार्केट अच्छा हुआ तो इससे ज़्यादा भी मुनाफा आपको हो सकता है तो ये रही खेती कैमोमिल मिल की आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और किसान भाइयों को भेजें ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए और इसके अलावा आपको उसकी और की जानकारी चाहिए तो नंबर इसमें आपको इनबॉक्स में मिल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो नंबर वहाँ से आप ले सकते हैं आपको आपको बीज चाहिए इसका तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं नमस्कार किशन भाइयों धन्यवाद